अब बीजेपी की सदस्यता लेंगे सपा के ये विधायक और धनंजय सिंह की पत्नी, पूरी तैयारी हो गई। खबर अखिलेश यादव तक पहुंची तो वो भी सन्न रह गए। सपा विधायकों ने बीच मझदार में दिया गच्चा, चौंक गए अखिलेश यादव और उनके दोनों चचा। बीजेपी फूले नहीं समा रही, देखिए कौन कौन से नेता बीजेपी के हो जाएंगे। भीतर घातियों के घात से सपा आला कमान का ठनका माता, अखिलेश यादव बोले अब दोबारा सपा की तरफ नजर उठाकर भी मत देखना, और बंद कर दिया दरवाजा। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल देखने को मिल रही है और लगातार हलचल बढ़ भी रही है। एक तरफ बीजेपी नए नए नेताओं की एंट्री पर उनके स्वागत में लगी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इस मौके पर सन्न भी है और मौन भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायकों समेत बीएसपी के टिकट पर सांसद रह चुके धनंजय सिंह की पत्नी भी बीजेपी की सदस्यता ले सकती हैं। ऐसे में सवाल हर किसी के जहन में एक ही है कि कौन से सपा विधायक हैं जो बीजेपी के होने वाले हैं और साइकिल की सवारी छोड़कर कमल की खुशबू लेने वाले हैं। बीजेपी का सदस्यता अभियान सोमवार से शुरू हो गया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की सदस्यता ली, जिसके बाद इस अभियान की शुरुआत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी पार्टी की सदस्यता ली। इसके बाद ये अभियान और आगे बढ़ गया है। ऐसे में सबकी नजर उन नेताओं पर टिकी है जो पिछले काफी समय से बीजेपी के नजदीक चल रहे हैं और कई मंचों और विभिन्न मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। इनमें जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी शीतला रेड्डी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा सपा के वो विधायक भी हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की थी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये नेता भी आज बीजेपी की सदस्यता लेंगे। श्रीकला रेड्डी का नाम लोकसभा चुनाव में उस वक्त चर्चाओं में आया था जब धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ पाने की स्थिति में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने उन्हें बीएसपी से टिकट दिया था, जिसके बाद वो पूरे दम के साथ चुनाव प्रचार भी करते हुए दिखाई दी थी, लेकिन बाद में बीएसपी से उनका टिकट कट गया, जिसके बाद से ही श्रीकला रेड्डी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। चुनाव के दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी और धनंजय सिंह ने चुनाव में बीजेपी का समर्थन भी किया था। श्रीकला रेड्डी के अलावा बीजेपी की सदस्यता लेने वालों में समाजवादी पार्टी के वो विधायक भी हो सकते हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया था। इनमें रायबरेली की ऊंचाहार सीट से बागी विधायक मनोज पांडे, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह, गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, पूजा पाल जैसे नाम शामिल हैं। बीजेपी के सदस्यता अभियान के बीच इन सभी के अगले कदम पर सबकी नजर है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज से यूपी में सदस्यता अभियान की शुरुआत कर चुके हैं और लगातार यह व्यापक तौर पर चलाया जाएगा और तमाम नेता बीजेपी की सदस्यता लेंगे। ऐसे में सबकी नजर अब उन नेताओं पर है जो रहे तो समाजवादी पार्टी में लेकिन बीजेपी का गुणगान करते रहे और इसी वजह से समाजवादी पार्टी को भी वो खटकने लगे। अब देखना यह है कि कब ये नेता बीजेपी की सदस्यता लेते हैं और कब औपचारिक ऐलान करते हैं कि अब वो बीजेपी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी साफ संकेत दे दिए गए हैं कि भीतर घातियों को अब दोबारा पार्टी में नहीं लिया जाएगा और अगर उनकी किसी ने सिफारिश करने की कोशिश की तो उसको भी पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।